वेलकम एवरीवन, आज मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी, तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक लेग पीस लेंगे और इसमें गहरे कट लगा लेंगे। इसमें हम तमाम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम लेंगे धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला और 1/2 टेबल स्पून हमारे पास है इसमें चिली पाउडर। थोड़ी सी हल्दी लेंगे और 1 पिंच फूड कलर डालेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। 1 टेबल स्पून हम सिरका लेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस लेंगे। और थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इन तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे और चिकन को हम इसमें मैरिनेट कर देंगे। दो या तीन घंटे के लिए आप मैरिनेट करके चिकन को रख दें ताकि इसमें तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तमाम मसाले हम इसमें लगा देंगे और अच्छे तरीके से इसमें हमने मसाला कोट करना है ताकि ये तमाम जो कट्स हैं उसमें मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए और चिकन हमारा फीका फीका ना लगे और बहुत अच्छा इसका जूसी चिकन बने। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें, क्योंकि तिक्के मसाले में भी नमक होता है, तो हम इसमें नमक ज़रा कम रखेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से हम टिक्के पे लगा लेंगे। और इसको 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। या आपके पास टाइम नहीं है तो फिर कम से कम इसको 1/2 घंटे के लिए लाजमी इसको रेस्ट दें ताकि आपका टिक्का जो है वो बहुत अच्छा बने। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, कवर करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब इसको 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। अब हम इसमें चिकन को रख देंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और जो इसका मसाला बचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। मैरिनेशन का जो मसाला इसमें था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये अपनी हीट में चिकन गल जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे। अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे कि चिकन हमारा गला है कि नहीं गला है। अब हम चेक करते हैं कि चिकन हमारा टेंडर हुआ है कि नहीं। फ्लेम को हम लो करेंगे। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे, ये थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल्स रखी थी वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी मसाले के साथ इसको ऐड करेंगे ताकि इन वेजिटेबल्स में भी इनका फ्लेवर आ जाए। ये वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड कर देंगे और 5 मिनट तक मज़ीद इनको पकाएंगे ताकि ये आलू और जो प्याज वगैरह है ये ज़रा नरम हो जाए और टिक्के को भी ऊपर से इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए उसका। थोड़ा सा इसको कलर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे।
ये अब मैंने डिश आउट कर लिया है। ये रहा हमारा मज़ेदार सा स्पाइसी टिक्का, चिकन टिक्का तैयार है और इसको वेजिटेबल्स के साथ हम सर्व करेंगे। यम्मी।